हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का और जो गरीबों का हक है, किसानों का हक है, पिछड़े वर्गों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट के लोगों का हक है, उसको बचाने का हक है, उसको बचाने का चुनाव है। यह बात आप याद रखिए, क्योंकि अगर यह चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पूरे देश को दिख रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। कल मैं से एक व्यक्ति मिलने आया, मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया, मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यह सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, दो नेताओं को, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला चुनाव से कुछ ही महीने पहले। अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते, नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए, बैंक अकाउंट बंद करने थे 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है।